दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे प्राणी के बारे में जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पोटो के बारे में। पोटो जो लॉरिसिडाई फैमिली से बिलोंग करता है और पूरी दुनिया में पोटो सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाया जाता है जैसे कि केन्या, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और पोटो एक आर्बोरियल एनिमल है, मतलब वह प्राणी जो अपना जीवन सिर्फ झाड़ों पर ही बिताता है। और इसके अलावा पोटो को एक नॉक्टर्नल एनिमल भी माना गया है, मतलब वह प्राणी जो रात को सक्रिय रहता है और दिन में सोता है। और पोटो की देखने की शक्ति बहुत ही अच्छी है। और पोटो को बोसमैन पोटो के नाम से भी पहचाना जाता है। जब विलियम बोसमैन ने इसे डिस्क्राइब किया था 1704 में, और अफ्रीका की ज्यादातर कंट्रीज में इसे सॉफ्टली सॉफ्टली के नाम से भी पहचाना जाता है। पोटो एक सर्वाहारी प्राणी है और पोटो ज्यादातर फ्रूट्स, स्नेल्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं। और इसके अलावा पोटो को फ्रुगिवोरस एनिमल्स के नाम से भी पहचाना जाता है क्योंकि पोटो ज्यादातर फ्रूट्स को ही कंज्यूम करते हैं। और जंगलों में पोटो का शिकार ज्यादातर चिंपैंजीज और इंसान करते हैं जिनके कारण उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। पोटो की लंबाई तकरीबन 15 इंच से भी ज्यादा हो सकती है और वेट तकरीबन 2 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार जंगलों में पोटो तकरीबन 10 साल तक जी सकते हैं, लेकिन अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो वे 40 साल से भी अधिक जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।